Assalamualaikum, dear students. With the hope you are all be fine, enjoying your health, staying home, offering prayers, and reciting Durood Sharif Sallallahu Alaihi Wasallam. Now, students, we are going to do lesson number one, glossary, page number 2 पर है. Hardship mean मुश्किल. अगर इसके साथ s लग जाएगा तो harsh. Hardships mean मुश्किलात. Display mean मुजाहरा करना, दिखाना. या आप अपनी बुक पर खुद उर्दू के मीनिंग लिख लेंगे, इंग्लिश में तो लिखे हुए हैं. Trouble mean pain, मुश्किल, दुख, तकलीफ. Destroy mean damage, damage mean तबाह करना. Recognize mean पहचानना, acknowledge, पहचानना. पेशेंस मीन सबर. द एबिलिटी टू बेयर मीनिंग इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसके सामने आप इसका उर्दू मीनिंग भी लिख लेंगे. फॉरबिडन मीन मना करना, ख़त्म कर देना, रोक देना. प्रोहिबिटेड मर्डर मीन कत्ल. अनलॉफुल किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग. रिवेंज मीन बदला लेना होता है. डेलिब्रेट पनिशमेंट यानी कि जानबूझकर जो सजा दी जाती है. कॉन्केस्ट मीन फतह. द एक्ट ऑफ कंकरिंग. सोशली मीन मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर. सिचुएशंस एंड एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व बीइंग विद अदर पीपल. कस्टम मीन रिवाज. अ ट्रेडिशनल एंड वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग समथिंग दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी. जैसे हमारे मुआशरे में हम मुसलमानों के हवाले से हमारे बहुत से शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के जो रिवाज हैं हम उसको कस्टम कहते हैं. हमारे पहनने का स्टाइल भी हमारे कस्टम को, हमारे रिवाज को शो करता है. ऑब्जेक्टिव मीन एतराज़ किया. से समथिंग टू एक्सप्रेस वंस डिसअप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ और डिसएग्रीमेंट. पेज नंबर 4 पर बेटा सी पार्ट हम कर रहे हैं. सफिक्स. सफिक्स मीन्स सम मीन्स फुल ऑफ. यानी कि अगर हम किसी वर्ड के साथ सम लगा देते हैं तो उसका मतलब फुल लग जाता है, फुल हो जाता है. अगर लेस लगा देते तो उसका मतलब विदाउट हो जाता है. दो वर्ड आपके सामने हैं. सफिक्स वो वर्ड हैं जो किसी भी वर्ड के साथ लग जाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं. जैसे अब आप देख रहे हैं लोन सम, लोथ सम, बॉदर सम, ट्रबल सम, इर्क सम. आगे लेस फ्लॉलेस, थैंकलेस, लॉलेस, वर्थलेस, होपलेस. अब लोन सम का मतलब अगर देखें तो अकेला, तन्हा. लोथ सम का मतलब देखें तो काबिले नफ़रत. लोथ वैसे बुरा होता है लेकिन यहाँ काबिले नफ़रत हो जाएगा. बॉदर सम परेशानी देने वाला. बॉदर सिर्फ परेशानी होती है. ट्रबल सम परेशान कुन. एक सम तकलीफ दे. फ्लॉलेस, फ्ला होता है खामी, लेकिन लेस लग गया तो इसका मतलब बगैर किसी खामी के, साफ शफाफ. थैंक शुक्र करना होता है लेकिन लेस लग गया तो थैंक लेस का मतलब हो जाएगा ना शुक्रा. लॉ कानून को कहते हैं. लॉ लेस मीन जहाँ पर ला कानूनियत हो, कोई कानून ना हो. वर्थ अहमियत होता है, कदर होता है, लेकिन वर्थलेस जिसकी कोई कदर ना हो. होप उम्मीद होता है, होपलेस ना उम्मीद हो जाता है. इसी तरह पेज नंबर डी पर आपके पास है जी फिल इन दी ब्लैंक्स. ये आपको मालूम है कि ये हमने लेसन से ही करने हैं. तो फर्स्ट में टॉलरेंस आएगा. टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस. सेकंड, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस. हजरत आयशा सेड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनी वन. जब आप लेसन अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो फिल इन दी ब्लैंक्स करना आसान हो जाता है. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू ताइफ टू प्रीच इस्लाम. इन हिज लास्ट एड्रेस द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड रिवेंज फॉर ब्लड शेड इज फॉरबिडन.
इसी तरह बेटा पेज नंबर 3 पर ये जो बी पार्ट है, हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ब लिखे हुए हैं जिनके हमने नाउन बनाने हैं। मेक नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। अब टॉलरेट वर्ब है तो इसका नाउन बनेगा टॉलरेंस, टी ओ एल ई आर ए एन सी ई। प्रैक्टिस एस ई वाला है तो ये वर्ब है, जब इसका नाउन बनेगा तो ये सी ई हो जाएगा, पी आर ए सी टी आई सी ई। कॉन्कर फतह करना होता है तो ये कॉन्क्वेस्ट हो जाएगा, सी ओ एन क्यू यू ई एस टी। आप इसे अपनी बुक पर खुद लिखेंगे, ये मैंने इस वजह से नहीं लिख कर दिया कि आपकी जो हेयरिंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाए, आप तवज्जो से लिखेंगे, तवज्जो से सुनेंगे। डिस्ट्रॉय मीन हो जाएगा जी डिस्ट्रक्शन, डी ई एस टी आर यू सी टी आई ओ एन। ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट इतराज़ करना होता है तो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट के बाद आई ओ एन लग जाएगा। इसी तरह बेटा ये जो हमने पेज नंबर 4 पर सी पार्ट किया था सफिक्स वाला, इसके कुछ सेंटेंसेस भी हैं जो आपने बनाने हैं, वो आपको नोट्स में मैं भी भेज देता हूँ। तो नोट्स में हमने एक बनाए हुए हैं, जो हमने बना लिए हैं वो ठीक है, वो आप उसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, और बाकी जो नहीं बने हुए वो ट्राई योर लेवल दी बेस्ट कि आप इनको खुद बनाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। आप इसको भरपूर अंदाज से समझिएगा, कीजिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा, नमाजें पढ़िएगा, दुरूद शरीफ पढ़िएगा। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अस्सलामुअलैकुम।